सब्सक्राइब कीजिए टॉक टू सोमो चैनल को फिल्म्स, पोएट्री, टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉक टू सोमो। आज इंग्लिश लर्निंग के सेक्शन में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव में हम यूज करते थे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर अगर हम हिंदी के सेंटेंसेस की अगर बेसिक बात करें तो हिंदी के सेंटेंसेस की कुछ रचनाएं ऐसी इस तरह से होती है, इसमें लास्ट में किया जा चुका होगा इस तरह के फीलिंग आती है, इस तरह की पहचान होती है। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट की बात उसकी बात करें अगर एग्जांपल की और फॉर्मेशन की स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर सिंपल नेगेटिव इंटरगेटिव में किस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करते हैं, चलिए इसको सीखते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात करें अगर सिंपल सेंटेंस में, तो सिंपल में सबसे पहले हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस ई डब्ल्यू प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव sung a song will have been sung by them. I will have called him, I will have called him, he will have been called by me. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव में हम यूज करते हैं फॉर्मूले को ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई डब्ल्यू प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव हेल्प्ड मी, I will not have been helped by her. They will not have done it, it will not have been done by them. अगर हम इंटरोगेटिव ए की बात करें तो इंटरोगेटिव ए में हम यूज करते हैं will plus object plus not plus with her plus object plus ew plus by plus subject. Will you have done your homework? Will your homework have been done by you? Will you not have done your homework? Will your homework not have been done by you? Will they not have helped us? Will they not have helped us? इसको किया जाएगा shall we not have been helped by them? अगर हम interrogative B की बात करें तो हम formula use करेंगे WH word plus will plus object plus have been plus v third plus object plus ew plus by plus subject. When will he have told a lie? When will a lie have been told by him? When will you not have called him? When will he not have been called by you? What will she have done? What will have been done by her? Who will have called you? By whom will you have been called? इस तरह से हम interrogative सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम आज लास्ट टेंस पर पहुंच गए हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले पार्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, और अब हम पूरे टेंसों के लगभग आठ टेंसों के पैसे बनाए जाते हैं, आठ टेंसेस के पैसे आज सीख चुके हैं। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है और मॉडल्स के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। साथ ही कल मैंने पास्ट परफेक्ट वाले टेंस में वीडियो में बताया था कि पास्ट परफेक्ट के टेंस को कैसे यूज करते हैं। साथ ही लास्ट में एक क्वेश्चन रखा था, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं इस वीडियो की लिस्ट में, कुछ कमेंट आ रहे हैं कि पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस पैसेजेस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अनसीन पैसेजेस में सॉल्व करते समय में आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने कहा था कि उसके कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा और बेसिक बातें भी बताऊंगा। अनसीन पैसेजेस को मैं दो तीन वीडियोस या फिर चार पांच वीडियोस में अलग अलग पार्ट्स में डालूंगा, उसमें कुछ अनसीन पैसेज को पढ़कर भी बताऊंगा और सॉल्व कर भी बताऊंगा एग्जांपल्स में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अनसीन पैसेज वाले वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आप चाहे एकेडमिक सेक्शन से हैं चाहे कॉम्पिटिशन लेवल के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप अनसीन पैसेज सॉल्व करते समय में क्या परेशानियाँ फील करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फील करते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।